हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलगुले। तो ये गुलगुले नॉर्मल नहीं है, हम कद्दू के गुलगुले बनाने वाले हैं। कई बार बच्चे कद्दू नहीं खा पाते, उसकी सब्ज़ी नहीं खा पाते, तो इस तरीके के स्वीट गुलगुले बनाएंगे तो बच्चे काफ़ी शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा केजी कद्दू ले लिया है और उसके सारे छिलटे उतार लेंगे। और इस तरह अगर बीज हो तो उसे भी उतार ले, निकाल ले सारे और बारीक बारीक पीसेस में कट कर लें। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से हम धो लेंगे और एक कुकर में ऐड कर देंगे। और करीबन इसमें आप पानी ना ही डालें तो अच्छा है। और इसे एक सीटी आने तक हमें बॉईल कर लेना है। तो देखिए बॉईल हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है और यहाँ पे चीनी मिठास के हिसाब से हम डाल देंगे। चीनी कम ही डालें क्योंकि हम इसमें गुड़ डालेंगे, काफ़ी अच्छे गुलगुले बनते हैं गुड़ से। तो 2 टीस्पून यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है। और अब इसमें बॉईल कद्दू सारे ऐड कर देंगे। और मोयन के लिए आप 1 चम्मच इसमें तेल ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है, सबको मिक्स करना है, बिना पानी मिलाए आपको इसी में ही सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़े थोड़े से कद्दू के अगर टुकड़े रह जाए तो कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे हमने 2 चुटकी बेकिंग सोडा ले लिए हैं और 1 पैन में हमने तेल गरम कर लिया है। और धीरे धीरे करके सारे गुलगुलों को गोल गोल आकार में हम इसमें फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे जूसी बन के तैयार हुए हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे टेस्टी बन के तैयार हुए हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। तो इस तरह के गुलगुले आप भी बनाएं और हमारी इस रेसिपी को फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।